अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो टाइटल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि दावत का व्लॉग है। तो बहुत सिंपल वे में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीठे के साथ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चॉकलेट केक, और जिसने कभी भी केक नहीं बनाया ना, वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके ईज़िली केक बना सकते हैं। बहुत ईजिली मैं समझाने वाली हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर एक मग मैदा लिया है, उसमें से मैंने 4 टेबलस्पून मैदा निकाल लिया था और 4 टेबलस्पून इसमें ऐड किया कोका पाउडर। जब हम कहते हैं ना 1/4, 1/3 कप या इस तरह की बात करते हैं, तो जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इस तरह सिंपल वे में बता रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, सब को अच्छे से मिक्स किया, और ये ड्राई जो मिक्सचर है ना उसको मैंने रख दिया साइड पर। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर रखे हुए मैंने 2 एग्स लिए हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने दूध, अंडे और मक्खन, तीनों चीज़ें फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी थी, और इसमें ऐड किया है 1/2 कप चीनी, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है। तकरीबन 3-4 मिनट आपको लग जाएंगे हाथ से विस्क करते हुए। अगर आपको लगे कि आपका हाथ थक गया है तो थोड़ा सा आपने गैप दे देना है, उसके बाद दोबारा से विस्क करना है। आपने इसको इतना विस्क करना है, इतना विस्क करना है कि जो कंसिस्टेंसी है ना वो थिक हो जाए और जो कलर है वो वाइट हो जाए। जब इतनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तब आपने विस्क करना छोड़ देना है, और उसके बाद इसमें ऐड करना है तकरीबन 1/2 कप ऑयल, और दोबारा से इसको विस्क करना है कि तीनों जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से यकजा हो जाएँ। सो ये कुछ कंसिस्टेंसी हो जाएगी दोबारा से इसकी। उसके बाद जो ड्राई मिक्सचर है उसको ऐड करना है एग्स एंड शुगर के मिक्सचर में, और अच्छी तरह से छान के ऐड करना है, वरना इसमें लम्स रह जाएंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद ना इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है, और जो मिल्क है ना याद रहे वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और मिल्क ऐड करने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बस हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो गया। बस इतना ही प्रोसीजर था, और जो कुछ कंसिस्टेंसी है ना हमारे बैटर की वो इस टाइप ही होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स किया है बैटर को, और अब बारी आती है मोल्ड को रेडी करने की, जिसमें हमने केक बेक करना है। बटर पेपर हो तब वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है ना तो सिंपल बटर से भी हम इसको ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने मोल्ड को हल्का सा गर्म कर दिया था, और 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, और बहुत अच्छे से मैंने ग्रीस कर दिया है मोल्ड को, साइड्स पे भी नीचे भी बहुत अच्छे से बटर लगा लेना है। और उसके बाद जो बैटर है केक का वो मैंने इसमें डाल दिया है, और बहुत अच्छे से टैप टैप करना है तकरीबन 2-3 दफ़ा के अंदर, जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि जो केक है ना वो मैं बना रही हूँ एक पॉट में, तो मैंने बर्तन को तकरीबन 20 मिनट पहले अच्छे से गर्म कर लिया था ताकि वो प्री हीट हो जाए, और उसके बाद जो केक का बैटर है वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। और डायरेक्टली नहीं रखना मोल्ड को, नीचे मैंने हल्का सा एक स्टैंड भी रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने मोल्ड रखा है, और उसके बाद मैंने इसका लिड बंद कर दिया है बर्तन का, और ऊपर हल्की सी कोई भारी चीज़ भी रख दूँगी ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले। और इसको ना बार बार खोल के नहीं देखना, तकरीबन 30-40 मिनट के बाद इसको आपने ओपन करना है, और हीट बिल्कुल मीडियम से लो रखनी है, मीडियम से लो हीट पे ये बनेगा, और तकरीबन इसको 40-50 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। सो जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गिनाश रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए जो रेशो होती है ना वो ये होती है कि 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम और 1 कप चॉकलेट। सो व्हिपिंग क्रीम को मैंने गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है, और यहाँ पे मैं चॉकलेट जो है ना उसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। डेरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो, या गैलेक्सी चॉकलेट भी ले सकते हो, ब्लैक चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, अपनी मर्जी है। क्रीम मेरी गरम हो गई थी, उसके बाद जो चॉकलेट है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा रस दिया है। जब चॉकलेट थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी ना उसको, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़े की चॉकलेट गिनाश रेडी हो गई है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स में केक बेक हो गया था, और बिल्कुल गरम गरम जो केक है ना मोल्ड से नहीं निकालना वरना केक टूट जाएगा। थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें,
और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था। निकालने के बाद इसको डायरेक्टली फ्लैट सरफेस पे भी नहीं रखना, वरना केक जो है सोगी हो जाता है। सो इसको मैंने रख दिया इस तरह से मोल्ड पे। अभी इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ गिनाश, और केक जो है ना इस टाइम पे बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। गिनाश डालने से पहले मैं इसके ऊपर दूध का एक सीरम बना के डालने वाली हूँ। सो मैंने पहले टूथपिक से इसके ऊपर प्रिक्स कर दिए हैं, और मैंने दूध लिया तकरीबन 9 to 10 टेबल स्पून। उसमें मैंने 1/4 टी स्पून मैंने कॉफ़ी, 1/4 टी स्पून ही मैंने शुगर ऐड किया, और वो मैं इसके ऊपर केक के ऊपर डाल रही हूँ। ऊपर वाली सरफेस पे भी, नीचे वाली सरफेस पे भी, दोनों जगह मैंने अच्छे से इसको डाल दी है। इससे केक जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से। केक को मोल्ड से निकालते हुए ना वो क्लिप शायद मेरे से डिलीट हो गई, वरना मैं आपको दिखाती कि कितना ईजिली केक निकल गया था। और ये जो बैक सरफेस है देखें केक की कितनी स्मूथ है, बिल्कुल टूटी नहीं है। और उसके बाद जितनी भी चॉकलेट गिनाश थी वो मैंने केक के ऊपर डाल दिया, और नीचे मैंने एक प्लेट रख दी थी ताकि अगर चॉकलेट गिनाश नीचे गिरती भी है तो काउंटर टॉप गंदा भी ना हो, और उसके अलावा चॉकलेट हम यूज़ भी कर सकते हैं बाद में। और जितनी भी चॉकलेट गिनाश थी ना उसको नाइफ़ की हेल्प से मिस्त्रा से स्मूथ करती गई थी। सो साइज की सारी चॉकलेट गिनाश मैंने डाल दी केक पे, और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तकरीबन 10-15 मिनट में ही गिनाश सेट हो जाती है, और उसके बाद मैंने केक को प्लेट में सर्व कर दिया। यह है फाइनल लुक, बहुत सॉफ्ट बहुत मज़े का केक रेडी होता है। अच्छा, मीठे में एक तो मैंने चॉकलेट केक बनाया था, उसके अलावा मैंने ओरियो पुडिंग भी बनाई थी। उसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है, बहुत मज़े का रेडी होता है। सो अब उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो क्योंकि मैं ओरियो पुडिंग बना रही हूँ तो इसके लिए ओरियोस चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 पैकेट लिए हैं ओरियोस के। हर पैकेट में 4-4 ओरियोस है, और इन ओरियोस को मैंने डाल दिया है ग्राइंडर में, और इनको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इनका बहुत ही प्यारा सा फाइन सा पेस्ट पाउडर रेडी करना है। पाउडर रेडी हो गया, उसके बाद मैंने इसमें 2 to 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड किया है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया कि एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। और उसके बाद जिस सर्विंग डिश में ओरियो पुडिंग सर्व करनी है उसी डिश में मैंने ये पाउडर डाला है, और स्पून की हेल्प से ना इसको बहुत अच्छे से टैप टैप कर देना है, और उसके बाद इसको रख देना है फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए। सो जब तक ओरियो पाउडर सेट होता है फ्रिज में, तब तक मैं मिल्क पुडिंग रेडी कर रही हूँ। मैंने 2 ग्लास मिल्क लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने इसको चूल्हे पे रखा था, और इसको इतना पकाना है कि हमारा जो मिल्क है ना वो थिक हो जाए। इस टाइप की जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने ओरियोस लिए हैं, एक पैकेट लिया है, 4 ओरियोस थे, उसको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया था। और उसके बाद ये जो ओरियोस है ना, ये मैंने जो मिल्क पुडिंग रेडी की है उसमें मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स किया है, और यहाँ पे जो ओरियोस पाउडर था वो भी सेट हो गया है। सो मिल्क पुडिंग जो है वो मैंने अब डाल दी है ओरियोस के ऊपर, और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी दोबारा से फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में ही मिल्क पुडिंग फ्रिज में सेट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश डाल दी थी। चॉकलेट गिनाश बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे मैंने चॉकलेट केक के लिए बनाई थी, और उसके ऊपर मैंने 2 पीस चॉकलेट के रख दिए और ग्रेट कर दिए मैंने चॉकलेट। इससे बहुत प्यारी सी लुक आएगी इसकी। और बस उसके बाद मैंने इसका लिड बंद करके ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये दोनों जो स्वीट डिशेस थी मैंने रात में बनाई थी, और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जब मैं सर्व करने वाली थी ना तब का ये क्लिप है। और ये देखें पुडिंग की कितनी प्यारी लुक है, और इसको ना बिल्कुल अच्छे से चिल आप सर्व करोगे ना तभी अच्छी लगेगी। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आपने बनानी है तो एक रात पहले ही बना के रखें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट डे के क्लिप शेयर करने वाले हूँ। जिस दिन दावा थी ना ये उस दिन के क्लिप्स हैं। इलियाना को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में काम वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्रीमी चीज़ पास्ता। तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने क्यूब्स में काट लिया था। उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको भी बारीक चॉप किया। मैंने तकरीबन 10 से 12 जवे लिए थे लहसुन के, और उसको भी इस तरह से मैंने काट लिया था। उसके बाद तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, पहले उसमें लहसुन ऐड किया। लहसुन का जब हल्का सा कलर चेंज हो गया था फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे, और प्याज भी जब हल्के से पिंक हो गए थे ना तब मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। और चिकन डालने के बाद ना इसको पकाना है इस तरह से कि जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाए, और थोड़ा सा चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगा। हीट मीडियम से हाई ही रख रही है। उसके बाद इसमें मैंने टमाटो पेस्ट ऐड कर दी थी। टमाटो पेस्ट जो है ना ये बहुत अच्छी कंपनी है, इससे
खाने का कलर बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल रियल टमेटोज जैसे। और अगर आपके पास ये ना भी हो ना, तो सिंपल दो टमाटर लेने हैं, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, उसकी प्यूरी इसमें ऐड कर देनी है। फिर मैंने यहाँ पे दो कैप्सिकम ली थी, वो भी इसमें बिल्कुल छोटी छोटी करके वो इसमें मैंने डाल दी। और क्योंकि चाइनीज़ जो खाने होते हैं ना, उसमें हीट मीडियम से हाई ही होते हैं, तो आपको लगे कि थोड़ा सा जल रहा है आपका चिकन, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने सॉस ऐड कर दिए, पहले टमाटो केचप 4 to 5 टेबलस्पून, नैंडो सॉस 3 to 4 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 to 3 टेबलस्पून, और फिर ब्लैक पेपर और सॉल्ट, वो हमने हसबे जायका ही लेना है। और बस डालने के बाद इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करनी है, और फिर बस उसके ऊपर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी थी। अगर आपको मैक्रोनी नहीं पसंद तो पास्ता भी ऐड कर सकते हो। और फिर बस अच्छे से मिक्स किया मैंने, और उसके बाद फिर इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए दम पे। अच्छा, ये वाली जो मैक्रोनी है ना, ये इस तरह भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको मैं सर्व करूँगी चीज़ की लेयरिंग के साथ, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो जो पहली लेयर है वो मैक्रोनी की, उसके बाद फिर शेडर चीज़, फिर मैक्रोनी, और लास्ट में मोज़रेला चीज़ मैंने डाली थी, और ऊपर थोड़े से मैंने कैप्सिकम काट के डाल दिए थे। और इसको ना फिर मैंने रैप करके रख दिया था, तो जब गेस्ट आए थे उस वक्त इसको मैंने फिर ओवन में बेक किया था 170 डिग्री पे, प्री हीटेड ओवन में बेक किया था, और ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट लग रहा था। और बच्चे जो है ना, वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल का ये बना है। और उसके बाद जो सेकंड डिश थी ना, वो मैंने बनाई थी मटन कोरमा। नॉर्मली मटन कोरमा मैं बनाती हूँ दावत पे या ईद वाले दिन। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड किए, और उसके बाद इसमें 1 kg मैंने मटन डाल दिया था। मटन डालने के बाद ना, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, फ्लेम मीडियम से हाई रखनी है, और इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो मटन है ना, उसका एक तो कलर चेंज हो जाए, उसके बाद जो मटन पानी रिलीज़ करते हैं ना, वो पानी भी ड्राई हो जाए। फिर इस स्टेज पे इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और दोबारा से 1-2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के दोबारा से तकरीबन 4-5 मिनट इसकी दोबारा से भुनाई करनी है। और इसमें ना पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहें, क्योंकि फ्लेम हमने मीडियम से हाई रखी है कि मसाला ना जल जाए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। जब मसाला जो है ना, वो अच्छे से पक जाएगा और मटन से जो तेल है ना, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, उस स्टेज पे फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 3 से 4 गिलास, और फिर इसको रख दिया था मीडियम से लो हीट पे पकने के लिए। तो जो कोरमे में प्याज डलेंगे ना, उनको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। 2 मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया था, मीडियम से हाई हीट पे इनको फ्राई किया। और जो प्याज है ना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन इनका कलर होना चाहिए। उसके अलावा 4 से 5 कैशूस मैंने डाले इसमें, और 1 कप इसमें मैंने दही डाला है। और ये तीनों चीज़ें मैं ब्लेंडिंग जार में डाल के ना, इनको ब्लेंड कर दूँगी। बहुत अच्छा सा इनका पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर जो मटन है वो भी सॉफ्ट हो गया है, पानी भी ड्राई हो गया, तो इस टाइम पे मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसी टाइम पे मैंने 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला भी ऐड किया था, शान का जो कोरमा मसाला होता है वो मैंने यहाँ पे डाला था। और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड किया था। और तकरीबन 10-15 मिनट जो है ना, इसको पकाना है। और उसके बाद जितनी भी आपको ग्रेवी पसंद हो, उस लिहाज से इसमें ग्रेवी पानी डाल के आपने रख देना इसको, और बहुत ही अच्छा सा मज़े का ये कोरमा बन के रेडी होता है। अभी तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं, और इस टाइम पे मैंने मटन रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही लो फ्लेम पे बनता है और बहुत टेस्टी होता है ये। और मैंने कोशिश की है इस व्लॉग में कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आगे ईद आने वाली है ना, उसमें भी ये काम आएंगी। सो मैंने 1 kg मटन लिया है, विद बोन्स विदाउट बोन्स दोनों मिक्स करवाए थे। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट इस पर लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई होता है, अगर सॉल्ट ज़्यादा लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें चर्बी डाल दी है, तकरीबन 15-20 पीस होंगे चर्बी के, जो कि बहुत छोटे छोटे मैंने कटवा लिए थे। और जो चर्बी है ना, वो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाली चर्बी यूज़ की है। 1/4 कप इसमें मैंने
पानी डाल दिया था और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए। हीट आपने इसकी इतनी रखनी है जितनी हम चावल को दम देते हुए हीट रखते ना, इतनी ही हीट पे बनाना है। और इसको ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे लगेंगे पकते हुए, बहुत लो फ्लेम पे बनता है। और ये जो नमकीन गोश्त होता है ना, इसको रोश भी कहते हैं। सो कुछ लोग इसको थोड़ा सा पानी के साथ खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको ड्राई कर देते हैं। मैंने जो है ना हल्का सा इसमें पानी था, जैसे हल्की सी इसमें यखनी थी, इस तरह मैंने इसको बनाया था। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह लो फ्लेम पे बनने से ना, और चर्बी में बनने से इसका जो टेस्ट होता है ना, फ्लेवर मटन का बिल्कुल चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन दावत होती है ना, तो एक साथ 2-3 खाने बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही था। एक साइड पर मैंने नमकीन गोश्त रखा हुआ था, दूसरी साइड पे मैंने चावल रखे हुए थे। लेकिन जब वीडियो एडिट करती हूँ तब कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग में कुकिंग प्रोसेस और सर्व से पहले कैसा खाना मैंने सर्व किया, वो सारी चीज़ें ना आपके साथ एक साथ ही शेयर करूँ। क्योंकि अगर कोई एक रेसिपी देखने आया तो उसको फिर पूरी वीडियो आगे पीछे करके देखनी पड़ती है कि अच्छा सर्विंग से पहले ये खाना कैसे दिखता था, ये कैसे सर्व किया। तो बस इसीलिए आसानी के लिए, खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू चिकन शोरबे वाला, क्योंकि जिनको हमने दावत दी थी ना उनमें उनकी मदर भी थी, और मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं उनको शोरबे वाले खाने, ग्रेवी वाले खाने ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस इसलिए मैंने कोशिश की थी कि जो दोनों खाने ना दोनों ग्रेवी वाले हों। और बस उसके बाद मैंने इस पर पानी वगैरह डाल दिया था, पकने के लिए रख दिया था। ये थी फाइनल लुक चिकन की। सर्विंग से पहले जो है मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे इसके। यहाँ पर मैं चावल बना रही थी, बॉयल मैंने राइस बनाए थे ज़ीरे वाले चावल, और उसमें मैं कनोर क्यूब डाल देती हूँ तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और जब गेस्ट आते हैं ना, नॉर्मली मैं तभी चावल हमेशा डालती हूँ पकने के लिए, ताकि गरम गरम चावल मैं सर्व करूँ। सो यहाँ पे गेस्ट आ गए थे और मैं साथ साथ क्लिप्स भी ले रही थी। मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स आते हैं ना, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी हो रही होती हूँ कि स्टार्टिंग में स्पेशली बहुत होती थी कि कैसे क्लिप्स लूँ क्या करूँ, तो वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि तुम जो है वीडियोस बनाती हो तो अपने आराम से सुकून से क्लिप्स ले लो, टेंशन ना लो कि खाना ठंडा हो जाएगा या लेट हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए थे। ये थी फाइनल लुक जो मैंने चीज़ें बनाई थी। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद बारी आती है मीठे की, तो यहाँ पर मैं बस स्वीट डिश सर्व कर रही हूँ। और ये वाली जो पुडिंग है ना, ये बहुत टेस्टी बनती है। बहुत से लोग होते हैं जिनको ओरियो का फ्लेवर नहीं पसंद होता, तो ओरियो अगर आपको नहीं पसंद तो उसकी जगह आप डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर सकते हो, उसको क्रश करके यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो वाइट ब्रेड होती है ना, उसको भी दूध में अच्छी तरह से डिप करते हुए उसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं आप। सो उसके अलावा ये जो केक है, इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी। तो केक वगैरह मैंने सर्व किया और साथ स्वीट डिश सर्व की, और फिर हम लोग काफ़ी देर बैठ के गपशप लगाते रहे। और उसके बाद बारी आती है ये ढेर सारे बर्तन धोने की। नॉर्मली क्या होता है कि जब दो फैमिलीज़ को बुलाऊं या दो से ज़्यादा फैमिलीज़ को बुलाऊं तो मैं फिर डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर क्योंकि इस दफ़ा जो है ना सिर्फ एक फैमिली थी, तो इसलिए फिर मैंने नॉर्मल जो बर्तन होते हैं वो ही यूज़ किए थे। तो बस मैंने जब वो लोग चले गए ना गेस्ट, उसके बाद फिर मैंने ज़ीनिया को, इलियाना को जाके सुलाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश होके फिर मैं आ गई थी। पहले मैंने सोचा कि पता ना सुबह ही धो लूँगी, लेकिन फिर ये था कि सुबह तक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते ये, तो फिर इसलिए फिर मैं आई हूँ। और अभी भी काफ़ी जो है लेट हो गया था, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया था ना, तो काफ़ी जो स्टेन्स थे सालन के वो ड्राई हो गए थे। तो थोड़ी थोड़ी देर मैं इनको पानी में रख रही थी, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किए। और आप लोग अक्सर पूछते हो कि आपने रैक नहीं रखा हुआ किचन में, तो रैक नहीं रखा हुआ, इस तरह से मैंने किचन टावर्स रखे हुए हैं, तो जब भी बर्तन ज़्यादा हो तो इनके ऊपर रख के मैं बर्तन वगैरह ड्राई कर देती हूँ, और जब बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं ना तो मैं इनको वापस कैबिनेट्स में रखती हूँ। और ये जो जितने भी टावर्स हैं इनको फिर मैं अच्छे से फोल्ड करके ना मैं वापस अपनी जगह पर रख देती हूँ, इस तरह काफ़ी स्पेस बच जाती है। और क्योंकि काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्पेस ज़्यादा हो, तो अगर मैं इसके ऊपर रैक भी रखूँगी ना तो मुझे लगता है कि वो स्पेस ज़्यादा लेगी, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से
मैंने बातों बातों में बर्तन जो हैं धो लिए थे सारे, और यहाँ पे जो बड़े पॉट्स थे ना ये भी काफ़ी, इनके अंदर सालन जो है वो काफ़ी ड्राई हो गया था, तो फ़िलहाल इनके अंदर मैंने थोड़ा सा डिश सोप डाल के, पानी डाल के ना मैंने इनको रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं इनको वॉश करूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।